BMW 6 Series GT is something of an individualist within the premium executive segment and meets the richly varied requirements of modern and extremely discerning customers. An external appearance brimming with presence and elegance is supplemented by compelling functional versatility. सोहेल कुछ इस तरह से BMW इस नई 6 सीरीज GT को विजुलाइज करती है, अगर ब्रोशर की बात माने तो। बट मेरा इसको विजुलाइज करने का अलग पर्सपेक्टिव है, तो इसलिए हम इसको ड्राइव मोड में डालेंगे, स्पोर्ट प्रेस करेंगे एंड देन वी विल एक्सेलरेट इट बिकॉज इट्स अ GT। 254 bhp of power, 400 newton meter of torque, gear 106.5 seconds. That is what this car is all about, the fun of driving. Amazing. Hello my dear viewers, welcome back to Times Drive. I'm your host Indos Ankur Taneja, and in this video mein hamare sath hai BMW ki nayi naveli, the all new BMW 6 Series GT. क्या इसमें नए बदलाव किए गए हैं, चलाने में कैसी है, और साथ ही साथ वीडियो के अंत में हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा तीन धांसु और तीन नॉट सुधांसु एलिमेंट इस BMW 6 Series GT के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं रिव्यू की। सुनाओ, पहले आपको हम बता देते हैं कि इस नई 6 सीरीज GT में आपको इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, क्या BMW ने इसमें नया ऐड किया है एक्सटीरियर के मामले में। तो फ्रंट में सबसे पहले जो BMW की अब सभी नई गाड़ियों में देखने को मिल रहा है, नया ग्रिल यहां पर दिया गया है, दिस इज रीडिजाइंड एंड ये आपको इस 6 सीरीज GT में देखने को मिलेगा। इसकी हेडलाइट्स जो हैं वो भी रीडिजाइंड हैं, ये एल शेप डीआरएल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ड्यूअल एल शेप डीआरएल्स एंड लेजर लाइट्स इसमें देखने को मिलेंगी। एक चीज़ जो इसमें BMW ने माइनस करी है, बिकॉज इसमें लेज़र लाइट अब दी गई हैं, इसमें आपको फॉग लैंप्स देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर एयर इनटेक के लिए वर्टिकल इनटेक यहाँ पर दिए गए हैं, दो वर्टिकल इनटेक हैं, एक यहाँ पर और एक फ्रंट टायर के पीछे आपको देखने को मिलेगा। देन द बम्पर इज ऑल्सो रीडिजाइन, ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ आपको इसमें चेंज इन टर्म्स ऑफ फ्रंट लुक देखने को नहीं मिलेगा। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में यहाँ पर इसमें टायर्स जो दिए गए हैं वो आपको अब तीन ऑप्शन के साथ मिलेंगे, 18 इंच, 19 इंच एंड 20 इंच। फिलहाल अभी इसमें 19 इंच के टायर्स दिए गए हैं, 245 सेक्शन के इसमें आपको व्हील्स देखने को मिलेंगे एंड देर आर डिफरेंट अलॉय पैटर्न्स जो आपको इन और व्हील ऑप्शन के साथ देखने को इस 6 सीरीज GT में मिलेंगे। एंड दिस इज दी 630i M वेरियंट, यहाँ पर M की बैजिंग दी गई है एंड एक और ये वर्टिकल इनटेक जो मैं बता रहा था आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एयर इनटेक। सामने से ही वो कूपे वाली फील आपको दिखेगी, यहाँ पर जो कूपे स्टाइल ये रूफ यहाँ जा रही है स्लांटेड एंड पीछे तक, वो आपको कूपे वाला फील इस BMW की 6 सीरीज GT में देखने को मिलेगा। रियर में भी थोड़ा बहुत बदलाव करा गया है, बम्पर इसका अब आपको नया रीडिजाइन देखने को मिलेगा, सेंसर्स हैं, कैमरा है और यहाँ पर आपको 630i की बैजिंग देखने को मिलेगी। 2 लीटर पेट्रोल में ऑप्शन मिलेगा और 2 लीटर डीजल में भी एक ऑप्शन है एंड देयर इज आल्सो अ डीजल ऑप्शन इन 3 लीटर। तो ये तीन इंजन ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे एंड GT की बैजिंग जिसका आनंद हमने शुरू में लिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये इसका स्पॉइलर दिया गया है, जब आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस गाड़ी को अगर उससे तेज रफ्तार पर चला रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा एंड उससे स्पीड कम होगी 120 से तो ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो दिस इज वन थिंग दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। टेल लाइट्स भी आपको LED दी गई हैं रियर में एंड इसके अलावा और कुछ एक्सटीरियर में आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा एंड वो कूपे वाली फील आपको पीछे तक आती हुई दिखेगी। तो ये कुछ है इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर अबाउट द न्यू BMW 6 सीरीज GT। इंटीरियर में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, लेट्स गो एंड सी दैट। सो इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर जो बदलाव हुए हैं उसको आपको बताते हैं। यहाँ पर फ्रंट में जो बदलाव हुए हैं, यहाँ पर आपको ये ग्लॉसी ब्लैक आपको इंटीरियर में देखने को मिलेगा जो इसके सेंटर कंसोल में यूज़ करा गया है एंड उसके अलावा ये वुडन फ्रेम पैटर्न का इस्तेमाल करा गया है जो पुरानी 6 सीरीज में देखने को नहीं मिलता, तो ये बदलाव यहाँ पर किया गया है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये सिल्वर एलिमेंट, देन ये नापा लेदर आपको थ्रू आउट इसके इंटीरियर में देखने को मिलेगा एंड डैशबोर्ड स्टिचिंग में भी थोड़ा बदलाव किया गया है, सॉफ्ट टच के साथ आपको ये
पूरा डैशबोर्ड इसका देखने को मिलेगा। देन सेंटर में ये 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंटरटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसमें आपको मीडिया, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, कार, व्हीकल स्टेटस में जाएंगे। यहाँ पर आपको TPMS, इंजन ऑयल लेवल, सर्विस रिक्वायरमेंट, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन देयर आर सेटिंग्स जिसमें आप डिस्प्ले, इंटीरियर लाइटिंग, क्लाइमेट कंट्रोल, जो आपका की फॉब है उसको भी आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पर एक्सटीरियर लाइटिंग, ड्राइविंग मोड अलग अलग आप इसमें चेंज कर सकते हैं यहाँ से। एक नया एडिशन जो इसमें किया गया है वो है एंड्रॉयड ऑटो का। अब इसमें आपको एप्पल कारप्ले के साथ जो पहले था, अब एंड्रॉयड ऑटो भी देखने को मिलेगा इस नए इंफोटेनमेंट सिस्टम में। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फीचर इसमें है, जैसे कि वॉइस कमांड का जो फीचर है उसमें आप विंडोज़ खोल सकते हैं, सनरूफ खोल सकते हैं, बट एक और चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हे BMW, स्विच टू स्पोर्ट मोड। सो आप इसका स्पोर्ट मोड भी वॉइस कमांड के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन दिया गया है। देन इधर यहाँ पे AC वेंट्स देखने को मिलेंगे, इधर आपको ये अलग मोड चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है इंफोटेनमेंट सिस्टम का। बैंड चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल के बटन्स हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे नीचे AC कंट्रोल के बटन्स देखने को मिलेंगे। 4-जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको BMW 6 सीरीज इसमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड में नॉब्स, राइट साइड में नॉब्स, वॉल्यूम का नॉब है। ये नॉब की क्वालिटी मुझे थोड़ा सा चीप लग रही है कंपेयर टू दी ऑल प्रीमियमनेस दैट यू विल फील इन दिस कार वंस यू विल सिट इनसाइड द कार। नीचे आए तो यहाँ पे दो कप होल्डर्स हैं, USB चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पर सिगरेट लाइटर है। यहाँ पर आपको इसका इंफोटेनमेंट जो डिस्प्ले है उसको कंट्रोल करने के लिए बटन्स दिए गए हैं। मीडिया, कम्युनिकेशन, मेन्यू, मैप, नेविगेशन, बैक और ऑप्शन के आपको, और ये यहाँ पे रोटरी डायल भी दिया गया है जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं बिना यहाँ पे टच को यूज़ किए। सेंटर में ये 8-स्पीड का स्टेप्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन दिया गया है। एंड यहाँ पर ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक है। ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने के लिए वहाँ बटन दिया गया है। 3 मोड हैं इसमें यहाँ पर जो आप चेंज कर सकते हैं, स्पोर्ट, कम्फर्ट, इको प्रो। एक इंडिविजुअल मोड भी है जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। देन पार्क असिस्ट का बटन है। देन यहाँ पर एक और बटन दिया गया है जिससे आप इस कार को लिफ्ट भी कर सकते हैं इन केस यू ड्राइविंग, अगर इंडियन रोड्स हैं तो कहीं भी आपको कुछ भी सड़क मिल सकती है, तो अगर आपको गाड़ी लिफ्ट करनी है तो लिफ्ट भी कर सकते हैं। देन देयर इज आल्सो अनदर बटन यहाँ पर जिससे इसका जो रियर स्पॉइलर है वो यहाँ से आप ओपन या क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज वो 120 की स्पीड पे जाने के बाद ऑटोमेटिकली खुलता या बंद तो होता ही है। यहाँ पर आए स्टीयरिंग की बात करें तो लेफ्ट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं, राइट साइड में आपको जो इसका ये 12.3 इंच का ही आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है उसको कंट्रोल करने के बटन्स यहाँ दिए गए हैं। वॉल्यूम कम ज़्यादा के बटन यहीं पर हैं, ट्रैक आगे पीछे करने के, वॉइस कमांड के बटन हैं। एंड यहाँ पर आपको डिस्प्ले में लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर दिया गया है, राइट साइड में टैकोमीटर, फ्यूल गेज है, टेम्परेचर बार है। एंड उसके अलावा आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, टाइम, कौन से मोड में आप गाड़ी चला रहे हैं वो आपको दिखेगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप मीटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एम की बैजिंग आपको वहाँ पर भी दी गई है और स्टीयरिंग में भी आपको एम की बैजिंग देखने को मिलेगी। स्टीयरिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग, थोड़ा कॉम्पैक्ट सा, स्पोर्टी सा फील आपको ज़रूर देगा। देन पीछे इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल जो इंटीरियर का लेआउट है, फील है, वो काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच दिया गया है, डोर्स में लेदर स्टिच्ड हैं, नापा लेदर का इस्तेमाल आपको थ्रू आउट डोर्स में, डैशबोर्ड में, सीट्स में ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। सेंटर में ये इसका आर्मरेस्ट दिया गया है, थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह है, एक USB-C चार्जिंग पोर्ट है, इट्स नॉट दैट डीप बट थोड़ा सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये कुछ मामला है इस नई 6 सीरीज GT की फ्रंट रो का। चलते हैं पिछली कतार में, क्योंकि प्रीमियम गाड़ी है, लग्जरी फील है, तो पीछे कंफर्ट कैसा है, लेट्स गो एंड सी दैट। तो पिछली कतार में इस नई 6 सीरीज GT की मैं बैठा हूं, तो पीछे का मामला बहुत ही आरामदायक है। देयर इज लोड्स ऑफ स्पेस लेग रूम के हिसाब से, थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा है, हेडरूम भी मेरी हाइट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, 5'9" मेरी हाइट है, तो आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद दी हेडरूम। देन अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेस की आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। देन लग्जरी की बात करें तो यहाँ पर आपको पीछे के दोनों पैसेंजर्स के लिए डिस्प्ले दिया गया है, यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम को, ऐप्स कंट्रोल कर सकते हैं, एंड यहाँ पर आप वीडियोज भी देख सकते हैं पीछे जो पैसेंजर्स बैठे होंगे। सेंटर में आपको यहाँ पर AC कंट्रोल दिखेगा, आपको 4-जोन जैसे कि मैंने बताया 4-जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, तो दोनों पीछे के पैसेंजर्स के लिए अलग अलग आपको कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको सिगरेट लाइटर का भी ऑप्शन है, दो USB-C चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं, एंड
दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पर आपको पिलर में, बी पिलर में आपको एसी वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके जीटी की बैजिंग यहाँ दी गई है। हर्मन कार्डन का 16 स्पीकर का साउंड सिस्टम इसमें दिया गया है एंड वही प्रीमियमनेस आपको इसके डोर्स में भी देखने को मिल जाएगी। देन बीच में आर्मरेस्ट है, कुछ सामान रखने की जगह है, यहाँ पर कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया गया है। देन देयर आर टू कप होल्डर्स फॉर द रियर पैसेंजर्स एंड इसको आप कंप्लीटली नीचे कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस द बोट फ्रॉम दिस रो। रियर सीट स्पेस की बात हो गई, बूट स्पेस भी आपको दिखाते हैं। तो इसमें बूट स्पेस दिया गया है वो है फिलहाल सेकेंड रो जब अप है तो 600 लीटर्स का बूट स्पेस दिया गया है। फिलहाल अभी इसमें स्पेयर टायर रखा हुआ है बट अगर आपको लगेज डालना है तो स्पेयर टायर आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे भी आपको इसको रखने की जगह नहीं मिलेगी। एंड देन प्रेस द बटन, इलेक्ट्रिकल आपको इसमें टेल गेट देखने को मिलता है। तो ये जो फिलहाल वेरिएंट हमारे साथ है ये 630i पेट्रोल वेरिएंट 2 लीटर इंजन के साथ ही आता है एंड शुरुआत में हमें छोटा सा ग्लिम्स आपको दिया इसकी परफॉर्मेंस का बट इंडियन रोड्स के हिसाब से, इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से ये कैसा परफॉर्म करती है सस्पेंशन सेटअप और बाकी सब एरियाज में ये गाड़ी 6 सीरीज जीटी कैसा परफॉर्म करती है। लेट्स गो एंड फाइंड दैट आउट। So now let's talk about कि ये BMW की नई 6 सीरीज Gran Turismo GT चलाने में कैसी है एंड हाउ डज इट परफॉर्म्स ऑन इंडियन रोड्स। इंजन की बात करें तो 1998 सीसी का इंजन है 630i में देखने को मिलता है एंड ये पावर जनरेट करता है 254 ब्रेक हॉर्स पावर एट 5000 rpm। मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होता है 400 न्यूटन मीटर्स का जो 1550 से 4400 rpm के बीच रहता है। एक्सलरेशन की बात करें तो 0-100 का आंकड़ा छूती है मात्र 6.5 सेकंड्स में। टॉप स्पीड है इसकी 250 किलोमीटर पर आवर। शुरुआती परफॉर्मेंस की बात करें इंजन को लेकर तो वहां पर आपको शुरुआत से ही अच्छा टॉर्क देखने को मिलेगा गाड़ी में। आई मीन 6.5 सेकंड्स इज नॉट एज फास्ट एज यू वुड एक्सपेक्ट बट इट्स प्रीटी फास्ट, इट्स प्रीटी फन टू ड्राइव एंड इंजन काफी बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर करता है शुरुआत से ही। और मिड रेंज में आकर इंजन का परफॉर्मेंस और बेहतर आपको होता हुआ जरूर दिखेगा जब आप इसको पहली बार चलाएंगे एंड जब स्पेशली आप हाईवे पर इसको ड्राइव करेंगे तो वहां पर आपको काफी अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसके साथ मिलने वाला है। सो दैट इज वन थिंग दैट आई एम रियली श्योर अबाउट व्हेन इट कम्स टू द ड्राइव एक्सपीरियंस ऑफ दिस न्यू BMW 6 सीरीज GT। और अगर इसकी कंपटीशन जो कि मर्सिडीज की ई क्लास LWB है उसके मुकाबले इसको कंपेयर करें तो पावर भी आपको इसमें ज्यादा मिलता है एंड टॉर्क भी आपको मर्सिडीज की ई क्लास के मुकाबले इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड 0-100 का अगर आंकड़ा चेक करें तो वहां पर भी ये थोड़ी तेज आपको मर्सिडीज की ई क्लास से जरूर दिखेगी। अब बात करते हैं ड्राइविंग कंफर्ट की क्योंकि इट्स अ लग्जरी कार एंड कंफर्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस सेगमेंट की गाड़ियों में एंड कंफर्ट को लेकर यस आई वुड से कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ एक आध फीचर आपको मर्सिडीज ई क्लास के मुकाबले इसमें कम देखने को मिले स्पेशली फॉर द रियर सीट पैसेंजर्स बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एंड इन टर्म्स ऑफ लग्जरी आपको इसमें कहीं भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। अब सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो वो आपको थोड़ा सॉफ्टर एंड पर दिखेगा एंड वो आपको एक कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी जरूर देता है। चाहे वो स्पीड ब्रेकर्स की बात हो या फिर गड्ढों की बात हो वहां पर आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन कंफर्ट। इसके अलावा ब्रेकिंग भी इसकी काफी प्रिसाइज है, काफी सटीक है। आप चाहे तेज रफ्तार में चला रहे हो चाहे इसको धीमे रफ्तार में चला रहे हो ब्रेकिंग को लेकर आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। आपको चारों टायर्स में इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। अब इसको अगर मर्क ई क्लास से कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ प्राइस तो मर्क ई क्लास का जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है वो है 63.6 लाख से उसके पेट्रोल वेरिएंट के लिए। अब BMW 6 सीरीज GT का जो स्टार्टिंग वेरिएंट है ये पेट्रोल वेरिएंट जो आज हम चला रहे हैं इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 67.90 लाख एक्स शोरूम से। लेकिन अगर आप दोनों में से इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस कोई एक गाड़ी चुनना चाहें वो आपको 6 सीरीज GT में थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। इसके पावर फिगर्स भी आपको मर्क की क्लास से
बेहतर देखने को जरूर मिलते हैं। तो यस, प्राइस के मामले में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा स्टार्टिंग वेरिएंट के लिए, लेकिन जो इसका डीजल वेरिएंट है वो आपको मर्क की क्लास सस्ता पड़ेगा, अराउंड 3 लाख के आसपास सस्ता पड़ेगा। तो अगर आप ड्राइविंग के हिसाब से इन दोनों में से कोई गाड़ी चूज करना चाहते हैं, देन आई वुड से कि 6 सीरीज GT इज द कार टू गो फॉर। तो अब बारी है 3 धांसू और 3 नॉट सुधांसू एलिमेंट की। तो पहले बात करते हैं 3 नॉट सुधांसू एलिमेंट मुझे क्या लगे इस 6 सीरीज GT के बारे में। तो पहला इज दी क्वालिटी ऑफ द प्लास्टिक का फील, यहाँ पे जो नॉब्स देखने को मिलता है ये थोड़ा मुझे थोड़ा बहुत चीप फील जरूर देता है। एंड दूसरा नॉट सुधांसू एलिमेंट है वो है इसका प्रैक्टिकलिटी क्वेश्चन, जो रियल पैसेंजर के लिए मुझे लगता है नहीं है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर देखने को नहीं मिलता है, जबकि इसे कॉम्पिटिशन जो कि मर्क की क्लास है वहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन सी चार्जिंग पोर्ट भी इसमें देखने को मिलता है। एंड थर्ड नॉट सुधांसू एलिमेंट, इसमें आपको हालांकि रिक्लाइन के लिए रियर पैसेंजर के लिए बटन्स दिए गए हैं, बट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हेडरेस्ट और थाई सपोर्ट का यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन बेहतर देखने को नहीं मिलता है, जो कि कॉम्पिटिशन में दिया गया है। सो अब 3 धांसू एलिमेंट जो मुझे इस BMW 6 सीरीज GT के बारे में लगे, तो पहला है इसका फ्रंट लुक, नया ग्रिल नई हेडलाइट का डिजाइन है वाकई में देखने में अपीलिंग जरूर लगता है। और दूसरा धांसू एलिमेंट है इसके बारे में इसका परफॉर्मेंस विच इज रियली गुड। एंड द थर्ड एंड फाइनल धांसू पॉइंट ऑफ दिस 6 सीरीज GT इज द प्रीमियम फील। ओवरऑल जो प्रीमियम फील है वो काफी बेहतर आपको इसमें देखने को मिलता है।